आईपीएल 2023 में होगा वो ऐतिहासिक मैच जिसमें खुद मैच हारना चाहेगी केकेआर। पहले ही मच रहा है हाहाकार। केकेआर इस मैच में जब मैदान पर आएगी तो बिल्कुल भी दम नहीं लगाएगी। केकेआर के इतिहास का सबसे खास होगा ये मैच। मार्क जुकरबर्ग का भी होगा इस मैच से संबंध, जिसमें फैंस रोएंगे, आंसू बहाएंगे, पूरे मैच के दौरान पलक नहीं झपकाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आईपीएल 2023 में आपकी पसंदीदा टीम खुद मैच हारना चाहे तो आप भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि ये होने वाला है, जी हाँ, आईपीएल 2023 में एक ऐसा मैच होने वाला है जिसमें केकेआर खुद मैच हारना चाहेगी। केकेआर इस मैच में बिल्कुल भी दम नहीं लगाएगी। बेशक क्रिकेट के लिहाज से आपको बातें सही नहीं लग रही हो, लेकिन भावनात्मक लहजे से ये खबर बिल्कुल ठीक है। केकेआर ने आईपीएल के इतिहास में अभी तक दो खिताब जीते हैं। खिताब जीतने वाले दोनों दिन केकेआर के लिहाज से बहुत खास रहे, यादगार रहे। लेकिन इस मैच को केकेआर जीते या हारे, आईपीएल इतिहास के पन्नों में केकेआर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। केकेआर के खिताबी मैच से ज्यादा लोग इस मैच की चर्चा करेंगे। जब भी आईपीएल के इतिहास में बात होगी तो इस मैच को जगह जरूर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो मैच कौन सा होने वाला है, तो सुनिए, आईपीएल 2023 में केकेआर अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से पंजाब के साथ मैच के साथ शुरू करेगी। इस मैच को जीतने के साथ ही केकेआर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। पहले फेज में केकेआर 8 मैच खेलेगी, लेकिन जैसे ही केकेआर दूसरे फेज में पहुंचेगी, उस खास मैच की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस मैच से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का भी संबंध होने वाला है। होली के बाद दूसरा फेज शुरू होगा। क्रिकेट को 6 गेंदों का खेल माना जाता है, लेकिन इस बार 6 गेंदों के साथ ही होली के बाद 6 दिन भी केकेआर के लिए बड़े खास होने वाले हैं। दूसरे फेज में केकेआर का मैच 9 मार्च को गुजरात के साथ होगा, लेकिन उसके बाद जब 14 तारीख आएगी तो हर किसी की सांसें थम जाएंगी। मैदान खचाखच भरा होगा। मैदान पर धोनी का शोर होगा। धोनी की टीम के सामने केकेआर की टीम होगी। टॉस के साथ ही एक तरफ जहां मैदान पर जोरदार टक्कर चल रही होगी, तो मैदान के बाहर धोनी की विदाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से सचिन का विदाई मैच आज भी हर क्रिकेट फैंस के जहन में ताजा है, ठीक उसी तरीके से मैच भी होने वाला है। ये मैच केकेआर की जीत या हार के लिए नहीं, क्रिकेट के इतिहास में धोनी की विदाई वाले मैच के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन केकेआर इस मैच को क्यों हारना चाहेगी, ये भी समझ लीजिए। दरअसल हर कोई जानता है कि क्रिकेट के मैदान पर धोनी की कितनी इज्जत है, तो इस लिहाज से केकेआर का हर खिलाड़ी चाहेगा कि धोनी को जीत के साथ विदाई दी जाए, ताकि धोनी का विदाई मैच हमेशा के लिए अमर हो जाए। क्रिकेट जगत में जब जब धोनी की बात होगी, आईपीएल में उनके इस विदाई वाले मैच की चर्चा जरूर होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा खास नजर इस बात पर होगी कि इस मैच में धोनी अगर क्रीज पर आए तो उनका विकेट केकेआर की तरफ से कौन चटकाएगा। जो भी चटकाएगा वो गेंदबाज भी अमर हो जाएगा। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन है। इस खास दिन को और भी यादगार बनाने की सारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ये बात साफ है कि धोनी जब क्रिकेट के मैदान पर आएंगे तो फैंस शोर मचाएंगे और फैंस की आंखों से आंसू जरूर आएंगे। तो आपका इस खास मैच को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि धोनी को जीत के साथ विदाई मिलेगी या फिर इस मैच को केकेआर जीत के साथ खत्म करेगी? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।